मणिपुर महाभारत उत्तर भारतर बादलफटा वर्षा पर भी जहां दिल्ली में पार्लियामेंटर मौसुमी अधिवेशन माहौल को सरगरम करितिला अधिवेशन को आहुरी चर्चा भितर को आनीला जवाहरलाल नेहरू लाल बहादुर शास्त्री इंदिरा गांधी अटल बिहारी वाजपेयी को जमी अतीत वर्ष को वर्ष अग्नि परीक्षा देवा पड़ी ठीक सेमती फास्ट इनिंग्स पर सेकेंड इनिंग्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनास्था प्रस्ताव सामना करने को पड़ी तेरे आरंभ अनास्था प्रस्ताव संख्या बल को नहीं नुहे बर मणिपुर पर अनास्था प्रस्ताव बोली कांग्रेस एवं इंडिया मेट कही हेले अनास्था प्रस्ताव बलरे इंडिया मेंटो एनडीए को घेरु घेरु निजे चक्र व्यूह फसीगला भली लागुचे आउ विरोधी को पाई अनास्था प्रस्ताव बुमेरांग पलटि जाइछि बोली कुआ जाउछि। वितर्कर शेष दिन में प्रधानमंत्री कटाक्ष करी कहिछन्ति एहा अनास्था प्रस्ताव भय नुहे बरं कला टीका काहे कि देखन्तु सर देखिए ये नो कॉन्फिडेंस मोशन की ताकत कितने है कि हमारे प्रधानमंत्री को हम लोग खींच के सदन में लाकर बैठे यही ताकत होते हैं संसदीय परंपरा की। हम ये नो कॉन्फिडेंस मोशन खाने के लिए कोई सोचा भी नहीं था। मैं इसे भगवान का आशीर्वाद मानता हूं कि ईश्वर ने विपक्ष को सुझाया और वो प्रस्ताव लेकर आए। दो हजार अठारह में भी ये ईश्वर का ही आदेश था जब विपक्ष के मेरे साथी अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए थे। उस समय भी मैंने कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव हमारी सरकार का फ्लोर टेस्ट नहीं है। मैंने उस दिन कहा इंडिया मेंटर प्रश्न एनडीए रो उत्तर विरोधी अटाक बीजेपी रो काउंटर अटाक विरोधी देखाइले अनास्थार ताकत प्रधानमंत्री जुक्ति अनास्था प्रस्ताव आम पाई शुभ संकेत लगातार तीन दिन वितर्क आतर्क शेष में भोट जहां आशा करा घटला गौरव गोगोई वक्तव्य आरंभ होता वितर्क उत्तर दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कले समाप्त किंतु अनास्था प्रस्ताव को नहीं जहां आकलन करते बसपा सांसद मालुक नागर ताहा सत हुई अविश्वास प्रस्ताव जब लाया जाता जब सामने जो पक्ष या सरकार में जो प्रधानमंत्री थोड़ा वीक होता है जिससे डिस्कशन में चीजें हिल जाए ये नंबर कितने हैं सामने है अविश्वास में कुछ होना नहीं है गिरना एक मौका दे देंगे सारे अपनी बात कह देंगे और बाद में माननीय प्रधानमंत्री आएंगे और वो एक एक पॉइंट का जवाब देकर धाराशाही करके और विपक्ष को कमजोर कर देंगे। जहाँ कहते मालुक ताला विरोधी बीजेपी को मौका दे केन्द्र को घेरु घेरु निजे चक्रव्यूह पड़े बीजेपी को अटाक करने को विरोधी रामायण एवं महाभारत सहारा नहीं बेले लंकाकांड कथा कही उत्तर रखिंट मोदी हेले आलोचना कथा कहता विरोधी लोकसभा वाकआउट कर और ये बिल्कुल सच है। आप देखिए जनता जनार्दन भी भगवान राम के रूप की है और इसलिए 400 से 40 हो गए। आज एक आग मणिपुर में लगी, आज एक आग भारत के राजधानी दिल्ली के पास हमें दिखाई दे रही है और फैलती हुई हमें दिखाई दे रही है। ये तीन प्रश्नों का पिछले दो घंटों से उत्तर ना देने के कारण हमने इंडिया अलायंस के पार्टीज ने मणिपुर के प्रजा के प्रति अपनी जिम्मेवारी रखते हुए हमने वॉकआउट किया। उतने वोट भी वो जमा नहीं कर पाए। मणिपुर प्रसंग रे सरकार उत्तर रखिले जो प्रसंग को नहीं अनास्था प्रस्ताव आसी प्रधानमंत्री से ही प्रसंग रे उत्तर रखिले बोली विरोधी अभियोग करिछन्ती।
हेले तीन दिन वितर्क को देखने लगुच्छी ए अनास्था प्रस्ताव विरोधी को बैकफुट को पठाई देछि। प्रथम दिन गौरव गोगोई बनाम निशिकांत दुबे कथा कहतु, द्वितीय दिन राहुल भर्सेस अमित शाह कथा, आउ तृतीय दिन कथा देखु। से महाभारत कथा उठाई बीजेपी को टार्गेट करते डीएमके सांसद कानीमोछी, जहां जयललिता प्रसंग उठाई काउंटर कर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। Mentioning Draupadi from Mahabharata in this house and how she was humiliated and stripped. These women also must have prayed to some god to come and help them. God nor the government came to help these two women. Jayalalita's sari was pulled in Tamil Nadu. In the assembly she was the leader of opposition. Her sari was pulled and the DMK members who were seated there heckled at her, laughed at her, made fun of her. You're talking of Kaurava Sabha? You're talking of Draupadi? Has DMK forgotten Jayalalitha? India mentokurei विरोधी डिंडीमो पिटुवा बेले अर्थमंत्री पश्चिमबंग पंजाब एवं दिल्ली रे किए कहा विरोध रे युद्ध करूची ता बताई दीछंती। समझना मुश्किल हो रहे कि ये अलायंस पार्टनर्स आपस में लड़ रहे के साथ में लड़ रहे, ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस एंड आप आपस में लड़ रहे, दिल्ली में आप और कांग्रेस अगेन आपस में लड़ रहे, बंगाल में TMC, Congress and the left आपस में लड़ रहे हैं, केरल में लेफ्ट और कांग्रेस आपस में लड़ रहे हैं। वर्तमान रु अतीत संसद रु सड़क, जो प्रसंग रे विरोधी अटैक करथिले तार उत्तर रखिछि बीजेपी, आउ मणिपुर रे प्रसंग को नै मध्य उत्तर रखिछन्ति। मैं मणिपुर के लोगों से भी आग्रह पूर्वक कहना चाहता, वहाँ की माताओं बहनों बेटियों से कहना चाहता हूँ, देश आपके साथ है। तीन दिन वितर्क जहाँ को देखी यह तो स्पष्ट हो जाएगी बहुमत सरकार अनास्था प्रस्ताव बेकार, जहाँ कहा जाता ताही हो 2018 रे प्रधानमंत्री करथिबा भविष्यवाणी सत होई। अनास्था प्रस्ताव भय बदल रे बीजेपी को शक्ति देछि बोली बीजेपी नेतांक केमिस्ट्री रु जणा पडुछि, एकथा भी समानक बयान कहुछि, एवं प्रधानमंत्री अनास्था प्रस्ताव को शुभ आउ कला टीका बोली मध्य कहिछन्ति। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज। मेरे विचार में निन्ने ना वालों के पक्षवा प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।